जी हम सबसे कहती चली जीवन की रेल रे जीवन की रेल रे धक धक करती चली हम सबसे कहती चली जीवन की रेल रे मोहब्बत का नाम है दिलों का मेल रे मोहब्बत का नाम है दिलों का मेल रे धक धक करती चली हम सबसे कहती चली जीवन की रेल रे जीवन की रेल रे जब तक है जीना जिलो हिल मिलके आए जिलो हिल मिलके जब तक है जीना जिलो हिल मिलके आए जिलो हिल मिलके सब है मुसाफिर एक ही मंजिल के सब है मुसाफिर एक ही मंजिल के जीने का नाम है दिलों का मेल रे जीने का नाम है दिलों का मेल रे धक धक करती चली हम सबसे कहती चली जीवन की रेल रे जीवन की रेल रे लिबास में साथ साथ चोर चला साथ साथ चोर चला ओ भला लगे ओ भला लगे तुझे बुरा बुरा लगे तुझे भला सेठ के लिबास में साथ साथ चोर चला साथ साथ चोर चला ओ भला लगे तुझे बुरा बुरा लगे तुझे भला भले बुरे दोनों है नजरों के खेल रे भले बुरे दोनों है नजरों के खेल रे धक धक करती चली हम सबसे कहती चली जीवन की रेल रे जीवन की रेल रे सुख दोनों है किस्मत के खेल रे धक धक करती चली हम सबसे कहती चली जीवन की रेल रे धक धक करती चली हम सबसे कहती चली जीवन की रेल रे धक 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 वाह 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 रूपा क्या खूब गला पाया है नाचते नाचते तुमने फिरकी क्या ली है वाह 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 अरे भाई अब तो तुम पांव की उंगलियों पर नाचने लगी हो ये तो आप ही का हिस्सा है प्रोफेसर साहब मैं किस लायक हूँ उंगलियों पर नचाना हमने तो बड़े बड़ों को फारसी पढ़ा दी नचाने वाला चाहिए दुनिया खुद नाचती है आपका जवाब ही नहीं प्रोफेसर साहब अभी पता चला जी बहुत तकलीफ है हुजूर को उस्ताद जी अब हमारी कंपनी का दिवाला नहीं निकलेगा लीजिए शुक्रिया शुक्रिया हाँ उस्ताद जी लीजिए ये बनारसी तंबाकू खाइए वाह वाह जो खाए वो भी मरे और जो ना खाए वो भी मरे क्या चीज बनाई है बनाने वाले ने जी ये किसकी तारीफ हो रही है अजी कुछ नहीं तंबाकू की तारीफ कर रहा हूँ कम वक्त वो नशा पैदा करता है और कड़वा भी और खुशबू का तो ये आलम है कि मुंह से बोलता है ये तंबाकू अच्छा जी बहुत तकलीफ है हुजूर को वो तुम्हारे खेलने की चीज नहीं लाओ इधर दूर से बात कीजिए प्रोफेसर साहब मुझे हाथा भाई बिल्कुल पसंद नहीं
देखो ना दादा कितना अच्छा हार है, 5 रुपए में खरीद लूं। हाँ बेटा 5 आने क्यों नहीं कह दिए, ला मेरा हार। चली है सच्चे मोतियों का हार खरीदने। अच्छा भाई 10 ले लो। क्यों दादा? 10 रुपए ले लो। चली है गाजर मूली का सौदा करने। अरे पगली, मोती का एक एक दाना 500-500 रुपए से कम नहीं। 500-500? जी। तो 5,000 क्यों नहीं कह दिया? जरा पूछो ना दादा कि इतना रुपया इसके पास कहाँ से आया, क्या चोरी की है? और अगर चोरी की है तो अपना मुंह काला किया है। लीजिए अपना हार। नाराज क्यों होती हो रूपा, ये तुम्हारे लिए तो रखा है, जब जी चाहे ले ले। जी मुझे नहीं चाहिए आपका हार, अब आप ही बताइए दादा, आज तक मैंने कोई चीज मुफ्त में मांगी है? मुफ्त मांगे तुम्हारी भला? अरे भाई ऐसे ऐसे हार तो लोग तुम्हारे सर से निछावर करके फेंक देते हैं। मैं कह तो रहा हूँ जब जी चाहे ले लेना। भाई मुझे नहीं चाहिए, रख लीजिए आप अपना नौलखा हार संभाल कर, देखिए कहीं गुम ना हो जाए। ये लीजिए आपके मोती चूर के लगे। चुप रहो, कोई सुन लेगा? सुन लेगा तो क्या होगा, है ही नन्हे रहने से। Shall be back on Thursday. जान पड़ते हैं। हाँ बेटा, कोई भले घर के मालूम होते हैं। भले घर के? हाँ। तभी तो आँख उठाकर एक बार भी नहीं देखा। तू अपनी तो कह, ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि जैसे खा जाएगी। तो तुम क्यों जले जा रहे हो? दादा वो मुझे अच्छे लगे, मैं उनकी तरफ देखती रही। उस्ताद जी रूपा से कह दो, भले बुरे की पहचान दीदे फाड़ फाड़ कर देखने से नहीं होती, परखने से होती। देखो तरफ क्यों आ रही है? किसी चोर की तलाश में होगी। चोर? Thank you.
राम सिंह पानी पिलाओ। जी सरकार। न जाने कितने दिनों बाद आज ठंडा पानी मिला है। और लीजिए। क्या बताऊं साहब, कितने दिनों से केस के पीछे पड़ा हूं। इन चोरों उठाई गिरों ने नाक में दम कर रखा है। आए दिन चोरियां होती हैं और हमें गांव गांव गाली गाली भटकना पड़ता है। और साहब अभी अभी मालूम हुआ है कि मोतियों का एक हार गुम है। और कमाल तो यह है कि इस सफाई से उड़ाया गया है कि अकल हैरान रह जाती है। लेकिन साहब चोरी छुपाए नहीं छुपती, लाख कोशिश करे कोई बजा फरमाते हैं। लेकिन चोर आज ही की सोचता है, कल उसके लिए काल है। कहीं उंगलियां तो नहीं झुलस गई आपकी? उंगलियां? इस वक्त मेरा दिल जल रहा है। बात यह है इंस्पेक्टर साहब कि मैं आजकल जरा खोया खोया सा रहता हूं। हाँ साहब, आपकी तो दुनिया ही अजीब है। कभी मौका मिला तो आपका खेल देखने जरूर आऊंगा। जरूर तशरीफ लाइए, जरूर तशरीफ लाइए। ये है दादा तबले के माने हुए उस्ताद, और ये है रूपा देवी, रूप और कला की जीती जागती तस्वीर। सर, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, जरूर पूछिए। अगर वो हार वाला चोर पकड़ा जाए तो उसे क्या सजा होगी? सजा? सात साल जेल में चक्की पीसना होगी बच्चा जी। चक्की? जी हाँ सर। और उसे हंटर नहीं पड़ेंगे? हाँ हंटर भी जरूर पड़ेंगे। अकल ठिकाने आ जाएगी अगर हमारे एक दफा हाथ आ जाए तो। जी सुनिए। शुक्रिया। कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? जी संतोष नगर। संतोष नगर क्या जगह है साहब? छोटी छोटी पहाड़ियाँ, लहराती हुई कुलैले करती हुई पल खाती हुई नदी, अजीब जगह। शायद सैर पर तशरीफ ले जा रहे हैं? जी नहीं, मैं काम से जा रहा हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरी कंपनी संतोष नगर के नजदीक एक नई बस्ती बसाना चाहती है, जिसमें के स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, बच्चों के खेलने के पार्क होंगे। अगर ये की दुनिया कितना सुंदर सपना। जी सो पटेल, आपके सपनों की नगरी में क्या मुझे भी जगह मिल सकती है इंजीनियर साहब? ओ, ये मैंने क्या कह दिया दादा, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई? गलती किस बात की? देखिए इंजीनियर साहब, आपकी बस्ती में हमें भी जो जरूर जगह मिलना चाहिए। जी हाँ जरूर। देखिए मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ जिसको कि आप भर के भेज दीजिएगा। ये लीजिए। शुक्रिया जी। जी जी ये फॉर्म। जी अच्छा साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी कुरेल। लो भाई। जब कभी हमारी जरूरत पड़े जरूर तशरीफ लाइएगा, बड़ी खुशी होगी आपसे मिलकर। जी जरूर जरूर, जब जी चाहे कोतवाली चले आइएगा। कोतवाली? जी अपना तो वो घर ही। बेहतर। शुक्रिया शुक्रिया, जरूर तशरीफ लाइएगा। साहब मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। आपको छोड़ने के लिए तो बिल्कुल जी नहीं करता। और तुर्रा ये कि एक ही ट्रेन में उठे बैठे खाए पिए सफर किए फिर भी मैंने आपका नाम नहीं दरिया। जी मेरा नाम रतन है। रतन? हाँ हाँ हाँ, आप तो बिल्कुल रतन है। माफ कीजिएगा, बात ये है कि मेरा नाम बिहारी लाल प्रोफेसर है और मैं इस छोटी सी कंपनी का मालिक हूँ। ये गाना बजाना? जी हाँ, मैं मालिक भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर हूँ, गोया ऑल दी कर ऑप्शन। अच्छा ये तो बताइए आप ठहरेंगे कहाँ? जी दिलखुश होटल। दिलखुश होटल, वाह 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 वाह, शहर का नाम संतोष नगर, होटल का नाम दिलखुश और आपका नाम रखा। हाँ तो बात ये है कि आप इनसे वाकिफ हैं? जी
मेरा नाम है रूपा। अच्छा साहब मैं जाना चाहता हूँ। अभी जरा खरीद साहब, अभी तो आपने मेरी कंपनी की तारीफ ही नहीं सुनी है। तो छोटी सी कंपनी मगर भगवान कसम जिस शहर में जाती है वो तारीफें होती है, वो तारीफ हो रही है। अच्छा मैं चल देता हूँ। जरा बात तो सुनिए साहब, देखिए एक बच चुका है, मुझे जल्दी पहुँचना है। अच्छा तो आप आती जा रहे रूपा। वो हार लेकर चला गया और तुम खड़ी खड़ी मुंह देख रही। फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। हुकुम हो तो थानेदार साहब को बुलवा। तुम क्या बुलाओगी, मैं खुद बुलाता हूँ। सुना नहीं तुमने, 7 बरस की सजा होगी, चक्की पीसना पड़ेगा, कोड़े लगेंगे। चक्की वो क्यों पीसे, चोर वो है या तुम? ये अभी मालूम हो जाता। इंस्पेक्टर साहब जरा ठहरिएगा, मुझे आपसे कुछ काम है। कहिए प्रोफेसर साहब, क्या काम है? पड़ा मैं अभी हाजिर होता हूँ। जाती हो या नहीं? जी मैं जाती हूँ। बहुत तकलीफ है हुजूर को। आखिर आप जाना कहाँ चाहती हैं? काश आप जान सकते कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। देखिए मैं पहले पूछना नहीं सीखा, साफ साफ कहिए। जहाँ भी आपको जाना हो वहीं आपको ड्राइवर छोड़ देगा। अरे 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 सुनिए तो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। पर मेरी एक बात तो सुनिए। ओ मजबूरी इंसान को पागल बना देती है। अरे जब आए थे तब तो बुखार था और अब सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है। सुनिए अब मुझे अपना कोट दे दीजिए। कोट ये लीजिए स्वेटर। ये इससे सर्दी नहीं जाएगी, मुझे आपका कोट चाहिए। सर्दी से बचने के लिए यही ठीक है। जी नहीं, बिना कोट के मैं सर्दी नहीं जाएगी, क्योंकि बात ये कि ये सर्दी दूसरी है। अरे मुझे मुसीबत में छोड़कर कहाँ चले आप? इंजीनियर साहब आपका जहाज जी चाहे छोड़ दीजिएगा, लेकिन ख्याल कीजिए जंगल। ओह और आप? मैं ठीक हूँ। एक ड्राइवर गाड़ी रोको। चलाओ। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। ओह अगर आपको मेरे साथ बैठना पसंद नहीं तो ये लीजिए, मैं उतर ही आती हूँ। ये लीजिए अपना कीमती सूट है। दूर है तो हम क्या करें? आप ही ने कहा था मुसीबत में छोड़कर मत जाइए, आप चाहें तो स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन एक शर्त। बताइए। यानी कि आप मेरे साथ मोटर में? मंजूर। तो चलिए आइए। तुम्हारी आंखों में प्रेम अंगड़ाई ले रहा है। मेरी आंखों में प्रेम अंगड़ाई ले रहा है? ये वही प्रेम है जिसकी तलाश में लोग खोए खोए से घूमते हैं, दीवाने हो जाते हैं। रूपा तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हें ये आदमी पसंद नहीं, और तुम इसे टाल भी नहीं सकती। हार का क्या हुआ? हुआ क्या, तुम्हारे हार के लिए वो तिगनी का नाच नाचा, वो कसमें खाई, वो झूठ बोला। बहुत तकलीफ है हुजूर को, आपने तिगनी का नाच नाचा, जमीन आसमान एक कर दिए, बहुत मेहनत की, मगर मेरा हार तो लाओ।
लेकिन वो आपका हार नहीं मिला। नहीं मिला? बहुत तकलीफ है हुजूर। ये क्या मजाक है, तुम हार के बगैर चली कैसी आई? ला मेरा हार। वो चोर थोड़ी है जो उनसे हार जबरदस्ती छीन लेते। अभी पता चल जाएगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर उन्हें नाक के चने ना चबा दिया तो मेरा नाम बिहारी नहीं, मैं अभी इंस्पेक्टर के पास जाता हूँ। गुस्सा थूक दो भैया, गुस्सा बुरी चीज है। आप लोग बाग मुझे दीवान जी कहते हैं, मैं यहाँ का एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ। आप किसी उलझन में हैं? जी हाँ, मैं एक उलझन में हूँ। अगर रहने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए और खेल तमाशे के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए तो ये उलझन दूर हो सकती है। ये उलझन तो मैं दूर किए देता हूँ, आप आइए मेरे साथ। निकी और पूछ चलिए चलिए। भोला, 16 साल से तुम चुप हो, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते हो? हमको सिगरेट के धुएं में उड़ा दो। मैं नींद से खेला करती थी, नन्नी को खोए हुए आज 16 साल हो गए। माफ कीजिएगा, मैं गलती से इस तरफ चली आई। रूपा, तुम कुछ पूछने आई हो? हाउ डू यू डू, आपकी तबीयत कैसी है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? आपका मिजाज कैसा है? अरे ये तो बोलता भी है, ये बकता भी है। दीवान जी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अच्छी है। ये जूते देखे आपने? ये तो किसी नन्हे मुन्ने के जान पड़ते हैं। आज से 16 साल पहले वो इन्हें पहना करती थी। तो ये नन्हे के हैं? जी हाँ। चुप रहो। हाँ, तुम क्या पूछने आई हो? जी, यहाँ से दिलखुश होटल कितनी दूर है? यही कोई 2-3 मील। तुम्हारी आंखें कह रही है तुम वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाना चाहती हो। हाँ। तुम्हारा दिल तड़प रहा है किसी को मिलने के लिए। ओ प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, आधा वर्ष है दीवान साहब। आपको मेरे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? अजी आपके होते हुए क्या तकलीफ हो सकती है, बस खेल की तैयारियाँ हैं। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब। हेलो चंदू, हेलो हाउ आर यू। देखिए इंस्पेक्टर साहब, गुदगुदी ना कीजिए। ये हैं हमारे अजीज मेहमान प्रोफेसर साहब, और आप हैं जी। इनसे तो हमारी मुलाकात हो चुकी है और हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अरे साहब, आपका खेल देखने को तो हमारी आंखें तरस रही हैं, न जाने ये बेचैनी कब दूर होगी। अजी खेल देखने के लिए तो मैं भी तड़प रहा हूँ। देखिए आपका खेल देखने को चंदू भी तड़प रहा है। बिल्कुल ठीक। बस जनाब, कुछ ही दिन में चैन का सामान हो जाएगा, रेसल शुरू हो गया। मैं ढंडोरा पिटवा दिया गया है कि प्रोफेसर बिहारी लाल की पार्टी शहर में आ गई। Thank you.
दिल का पिंजरा खाली तू इसमें आ जा, तू इसमें आ जा, ओ बुलबुल मतवाली तू इसमें आ जा, अरे तू इसमें आ जा। मैं चुपचाप बसा लूं दिल में बिठा लूं, आंखों का मैं जाल बिछा लूं, तुझको मैं चुपचाप बसा लूं दिल में बिठा दूं। फिर तो बिन दाना बिन पानी बनके मन सिंह है की रानी, फिर तो बिन दाना बिन पानी बनके मन सिंह है की रानी, हर दम तेरे ही गुण गाए रे, हर दम तेरे ही गुण गाए रे, चिड़ैया उड़ जाए रे, चिड़ैया उड़ जाए, चिड़ैया उड़ जाए रे, चिड़ैया उड़ जाए रे। वाह 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 वाह, क्या कहने, आप भी खूब नाचती हैं। है ये दिल फरेब अदाएं, ये दिल रुबा अंदाज, सरकार की बंदा नवाजी है, वरना हम गुलाम किस काबिल हैं। भाई आज तो मजा आ गया, क्या नाचा है। आहा। सरकार ने अभी लच्छी का नाच ही देखा है, गाना कहाँ सुना है। अच्छा गाते भी हैं। सरकार अगर लच्छी की अंग अंग में थिरकन है तो गले की रग रग में वो नूर है। अच्छा तो इनका नाम लच्छी है। इनका नाम लच्छी है और मैं छैला। लच्छी छैला, छैला लच्छी, क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों एक हैं साहब, हम दोनों तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, क्या इंसान से उसका साया जुदा हो सकता है। आप ही फरमाइए साहब, क्या मछली को पानी से अलग रखा जा सकता है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बिल्ली के साथ ऊंट भी खरीदना पड़ेगा। क्या मतलब। मतलब ये कि मैं चाहता था कि लच्छी हमारी पार्टी में शरीक हो जाए। और मैं। हाँ तुम भी। अरे वाह 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 वाह, अरे हुजूर क्या फरमाया आपने, एक दोबारा इरशाद हो। अरे लच्छी, लच्छो उनके लिए पानी लाओ। एक बात तो सुनो, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके लिए शरबते बिजोरी लाओ। और तो सुनो, वो बहुत कदरदान हैं, उनके लिए शरबते अनन्नास लाओ। और सुनो, उनके क्या कहने हैं, आहा क्या कहने हैं, अरे उनके लिए तो दोनों मिला कर लाओ। वाह 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 वाह, सरकार का जाने हम कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। बहुत तकलीफ है। ऐ सरकार के होते हुए कोई तकलीफ हो सकती है। सरकार जी चाहता है कदम चूम लूं, जिस रास्ते से चलकर आए हैं आंखें बिछा दूं। तुम्हारी आंखें क्या है, गोया मखमली फर्श है। अगर किस्मत से लैला के गले का हार हो जाता, अगर किस्मत से लैला के गले का हार हो जाता, जमाने भर की नजरों में खटकता हार हो जाता,
डन 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 कौन है कमरे में? जी लैला, लेकिन आप बोल कहां से रहे हैं? 420 मीटर पर से, हम उस थाने से बोल रहे हैं। रूपा जी, 10 पार्ट्स मेरा ड्रेसिंग गाउन दे दीजिए। और दूसरी खिदमत? दूसरा हुक्म मैं खुद हाजिर होकर देता हूं। जल्दी गाउन दीजिए जी। देर क्या है? मैं पूछता हूं देर क्या है? जी हाथ बनाइए जी। अभी हाजिर हुआ। आपको किसने कहा? मैंने सोचा कि आपको देखकर कहीं मुझे भी गर्मी ना लगने लगी। ओ औरत क्या है, जीता जाता चालान है। तशरीफ ले आइए। सुनिए फरमाइए जी, अब मुझे भी आपके गौन की जरूरत पड़ेगी। व्हाट नॉनसेंस। हेलो 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 जी, गौन दीजिए। डाउन लीजिए। लाइए। किस्मत में ऐसे सुनहरे दिन कहां। अर्ज यह है कि हमारे यहाँ एक ही गाड़ी है जिसका ड्राइवर खुद शादी रचाने चला। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं उल्टा ठीक समझ रहा हूँ। आपको गाड़ी चाहिए ना? हाँ। जरा ठहरिए, ये रही चाबी और वहां है। अच्छा नहीं लगता कि आप वहां और हम यहां, ऐसे में तो आप सिर्फ ड्राइवर ही मालूम होते। हमसे चुप नहीं बैठा जाता। चलती गाड़ी में बोला नहीं करते। क्या होता है बोलने से? बोली भी ना। देखिए देखिए सारे देखिए। मोटर चलाने का तरीका तो बहुत अच्छा है। कहीं चोर तो नहीं आई? वाह वाह, ये दूर से पूछने का तरीका भी खूब है। जी हाँ मैं ठीक हूँ, उठ भी सकती हूँ और नाच भी सकती हूँ। लच्छो, हमारे कदरदान का फरमान है यानी कि वो तुम्हारा नाच देखना चाहते हैं। लच्छो
आज ऐसा नाचो कि देखने वाले का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाए और उनके मुंह से निकले वाह 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 वाह। दिल में किसी का प्यार बना ले, हाय प्यार बना ले, हाय ये दुनिया दो दिन की, होई ये दुनिया दो दिन की, दो दिन की। दिल में किसी का प्यार बना ले, हाय प्यार बना ले, हाय ये दुनिया दो दिन की, होई ये दुनिया दो दिन की, दो दिन की। जीना है तो हंस के जिए जा, घड़ी दो घड़ी प्यार दिए जा। जीना है तो हंस के जिए जा, घड़ी दो घड़ी प्यार दिए जा, घड़ी दो घड़ी प्यार दिए जा। किसी पे अपना आप मिटा के किसी को अपना बना ले, हाय ये दुनिया दो दिन की, होई ये दुनिया दो दिन की, दो दिन की। लेकिन जल्दी खत्म हो गया। ओह, तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारा नाच बहुत पसंद आया है। दादा सुनिए, इनको हमारा नाच बहुत पसंद आया, एक बार फिर हो जाए। हो जाए, हो जाए। सुनिए मैं जरा भी सच कराती हूँ। वाह 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 वाह। अजी जब आप नाचती हैं तो हरकतें थम जाती हैं, कायनात हैरत से देखती रह जाती है। वाह 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 वाह। लच्छू, ये है हमारी लच्छू, इनका नाम है लच्छी। सुनो लच्छू, इनको हमारा नाच बहुत पसंद आया, एक बार फिर हो जाए। हो जाए, चल चल। वाह 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 वाह। अजी क्या नाचती हैं, कायनात हैरत से देखती रह जाती है, हरकतें रुक जाती हैं। अजी इनका नाच वाह 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 वाह। भोला सा जिया हाय ले गए पिया, देखो देखो जी, देखो देखो जी, देखो देखो जी, देखो जी, मोरा भोला सा जिया हाय ले गए पिया, देखो देखो जी, देखो देखो जी। मानी मेरी एक न सुनी, बेदर्द के आगे मेरी कुछ न बनी। मेरी एक भी न मानी मेरी एक न सुनी, बेदर्द के आगे मेरी कुछ न बनी। मैं तो सोचती ही रह गई ये क्या किया, मैं तो सोचती ही रह गई।
क्या किया, भोला सजिया हाय ले गए पिया, देखो देखो जी, देखो देखो जी, देखो देखो जी, देखो जी, मोरा भोला सजिया हाय ले गए पिया, देखो देखो जी, देखो देखो जी। चोर भी है वो तो चोर ही नहीं, कुछ और भी है, मोहे काहे को पता था पिया, चोर भी है वो तो चोर ही नहीं, कुछ और भी है, मेरा जिया भी लिया, मेरा चैन भी लिया, मेरा जिया भी लिया, मेरा चैन भी लिया, भोला सा जिया हाय ले गए पिया, देखो देखो जी, देखो देखो जी, देखो देखो जी, देखो जी, मोरा भोला सा जिया हाय ले गए पिया, देखो देखो जी, देखो देखो जी, देखो देखो जी। क्यों जी, ये नाच जी पसंद आया आपको? जी, पर अब मैं जाना चाहता हूँ, बहुत देर हो गई। देखिए कल जरूर तशरीफ लाइएगा, हुक्म हो तो मैं खुद हाजिर हो जाऊँ। जी, ओ नो नो, मैं खुद ही हाजिर हो जाऊँ। देखिए भूलिएगा नहीं, वो नई जी कुमला जाएगा। जी जी जी, सुनिए तो। अच्छा अच्छा, मैंने कहा एक नजर इधर भी। हटो जी, तुम बड़े वो हो। आए है, किस अदा से कह दिया हटो जी, जैसे कि हम तुम्हारे कुछ होते ही नहीं। हाँ जी, हसीनों की बातों का क्या एतबार, किधर थी तबीयत किधर हो गई, हटो जी। है बहुत तकलीफ है हुजूर को, ला मेरा हार। हार? सब्र की भी हद होती है रूपा, तुम नहीं जानती उस हार को देखने के लिए मेरा दिल किस कदर बेचैन हो रहा। दादा इनसे कह दो हार असली मालिक को वापस कर दिए जाए। असली मालिक मैं हूँ। जी वो हार आपका नहीं है। फिर किसका है? रूपा ठीक ही तो कह रही है, ऐसी कमाई ना फलेगी। आपको चाहिए था कि आप मेरा साथ दें, आप तो इनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। कंपनी को नुकसान हो तो मैं भरूं, कोई आर्टिस्ट गायब हो जाए तो उसकी तलाश में मैं मारा मारा फिरूं, और ढेला ढेला करके मैंने ये हार खरीदा है तो दूसरा मजा उड़ा है। रूपा हार वापस कर दो, ला मेरा हार। ये लीजिए अपना नौ रखा हार। जरा ठहरिए, मैं अभी आई, जरा ठहरिए। मैं बड़े बड़ों को चकमा देता फिरूं और ये लंडिया मुझे चकमा दे। बहुत तकलीफ है हजूर को है? कोई बात नहीं रूपा, अपने पास ही रहने दो, शायद इसी बहाने मेरा ख्याल तुम्हारे दिल में रहे। न जाने कौन ले गया, अभी अभी तो यही था। तुम्हीं ने किसी के ऊपर मेहरबानी की होगी, इसी को कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। देखिए आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने हर बार किसी को नहीं दिया, यकीन मानिए प्रोफेसर साहब वो हार कहीं गुम हो गया। मैं तुम्हारे हीले बहाने को खूब अच्छी तरह जानता हूँ, वो हार है और तुम्हारे पास है, समझी? दादा वो हार कहीं गुम हो गया। झूठ, बनावट, चालबाजी, हम ही को पढ़ाया जा रहा है। दादा इनसे साफ साफ कह दो कि कल तक मेरा हार नहीं पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? Thank you.
बहलाने के लिए तुमने भी लाखों कर्तव्य किए, इस पर भी बहका ही रहा। आज फिर तुम्हें नन्नी की याद सता रही है। सुना नन्नी क्या हाल है? चंदू, इनका नाम रूपा है, नन्नी नहीं। अजय, हम तो इनको नन्नी ही कहेंगे, आखिर इस पर आपको क्या एतराज है? जब इनका नाम रूपा है तो नन्नी क्यों कहोगे? आप भी मुझे नन्नी ही कहिए। देखा दीवान जी, हमने तो इनको मना ही दिया, ये तो अपनी ही है। चंदू ठीक कहता है, मैं तो अपना ही जानकर आपके पास आई थी। नन्नी, खाना तो खाती जाओ। आइए। एक बात पूछूं? पूछो, रोकता कौन है? इतना बड़ा मकान है, उसमें आप अकेले ही रहते हैं। ये सब इनकी गलतियों का नतीजा है। खामोश। अजी, इनको तो अकेला रहने की आदत सी हो गई है। जी नहीं घबराता आपका? अजी जी बहलाने के लिए तो 50 कर्तव्य सीख रखे हैं। चंदू, तुम खाना खाओगे? मैं तो खाता ही नहीं। खाते क्यों नहीं हो? मुझे भूख ही नहीं लगती। भूख क्यों नहीं लगती? मुझे राशन ही नहीं मिलता। राशन क्यों नहीं मिलता? मेरे पास पैसे ही नहीं होते। भोला, ले जाओ। नन्नी, घर जाने से पहले हमारी नन्नी के कपड़े देखते जाना। ये रात, ये बरसात, ये तन्हाई का आलम। Come in। ये रात, ये बरसात, ये तन्हाई का आलम। ऐसे में कोई धम से जो आ जाए तो क्या हो? मैंने कहा अर्ज है। ओ प्रोफेसर साहब, कहीं कैसे आना हुआ? भाई, मैंने तो रूपा से कहा था कि तुम खुद ही इंजीनियर साहब के पास चली जाओ। जी। ओ नो नो। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आप ही तशरीफ ले जाइए और उनसे कहिए। भाई, मैंने तो बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी। हाँ तो इंजीनियर साहब, वो रूपा ने हार मंगवाया है। हार? जी हाँ, कल अपना खेल होने वाला है ना, दिल की बस्ती। आप भी तो एक बस्ती बसाने आए हैं। जरूर तशरीफ। हाँ जी, जरूर जरूर। वो हार? हाँ जी हाँ, तशरीफ रखिए, मैं हार लाता हूँ। बहुत तकलीफ है हुजूर को। मैंने कहा इंजीनियर साहब, ये बंद है, अगर आप चाबी दें तो। चाबी मैं भी लाता हूं। ओहो प्रोफेसर साहब, कहिए कहिए, फिर कोई बात हो गई? वो हार तो मैं बैंक में रखाया हूँ। हैं? जी। बैंक में रखे हैं? जी, ये होटल है ना, यहाँ चीजें गुम भी हो सकती हैं और मैं कहीं रखकर भूल भी सकता हूँ, इसलिए। खैर, मैं कल लेकर हाजिर होता हूँ। अच्छा, कल? विदाउट फेल? विदाउट फेल। पक्का है? बिल्कुल, सीमेंट का बना हुआ। अच्छा तो फिर याद रखिए कल। जा। बॉय। यस सर। लेमन प्लीज। यस सर। मैंने कहा वो हार मिल गया। किसके पास था? या यूं कहिए कि किसके पास है। वो कल आ रहे हैं आपके इंजीनियर साहब हार लेकर। उनके पास कहाँ से आ रहा है? क्यों गए तुम वहाँ? किसने कहा था आपसे? आपके नाम का परमिट तो हर जगह चलता है, चुनाचे वही परमिट लेकर मैं अंदर घुस गया। उस्तादों से चौंगा, हमी से चालबाजी। हाँ कहो मेरी लच्छो। हाँ कहो ना। अरे हाँ कहो लच्छो ना, किस अंदाज से ना कहा है। वाह 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 लच्छो, ए लच्छो, लच्छो, ए लच्छो। अरे हमसे डरती हो? कोई अपनों से डरता है? आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। मेरी लच्छो को देखा है आपने?
अबे तूने हमें कोई रखवाला समझ लिया है लच्छो का, उधर है तेरी लच्छो का। शुक्रिया शुक्रिया, मैं शुक्रिया करना तो भूल गया था। शुक्रिया, एक शुक्रिया लाया और हर वक्त शुक्रिया शुक्रिया करता। और सुनो, मैंने उनसे पूछा कि कल का वायदा पक्का है, तो कहने लगे सीमेंट का। जरा इस सीमेंट से दूर रहना, कहीं स्टेचू ना बना दे, समझे? अच्छा अच्छा। मेरी लच्छो, इन मस्त शराबी आंखों में इकरार भी है इनकार भी है। लच्छो, अरे कभी हमसे भी बात किया करो ना। ना ना ना, अरे बात तो सुनो मेरी फुलझड़ी। लच्छो लच्छो लच्छो, ये क्या इन लोगों ने घर को चिड़िया खाना बना रखा। लच्छो लच्छो लच्छो, आपने मेरी लच्छो को देखा है? अबे तूने मुझे कोई इंक्वायरी ऑफिसर समझ रखा। शुक्रिया शुक्रिया। लच्छी लच्छी लच्छी, उठ, होटल जाना है। क्यों? उनसे जाकर ये कहना है कि मैंने हर बार कुछ नहीं मंगवाया है। तुम अकेली क्यों नहीं चली जाती? देख, मेरा दिल जरा कमजोर है, हैं? और सुन, वो रूम नंबर 27 में रहते हैं, हैं? उठ उठ जा। और ठीक ठीक, उनसे ज्यादा बातें बातें ना करना, उनका जरा दिमाग। तू जाना, मैं चली जा, बड़ी अच्छी जा। Yes, come in. वहाँ? कहाँ? नीचे। थैंक यू। मैं सच कहता हूँ। क्या सच कहते हैं? हार जी, मुझे आपके हार की जरूरत नहीं है। मुझे भी आपका हार नहीं चाहिए। आप रुकिए, मैं चाबी लेके आता हूँ। जी सुनिए, चाबी? जी हाँ, चाबी उस बक्स में, मेरा मतलब उस मेज में बंद। क्या हार? ओह नो।
आई मीन चाबी, ये रही वो चाबी। जी चाबी? कैसे चाबी, कहाँ की चाबी, आखिर आप चाहते क्या है? ये उस मेज की चाबी है जिसमें कि आपका हार पड़ा है। जी मुझे हार नहीं चाहिए। आइए मैंने एक बार आइए आइए ये रहा वो आपका हार। जी आप ही का है ना, कल गाड़ी में मिला था। गाड़ी में? लेकिन ये गाड़ी में कैसे टपक पड़ा? गद्दे के नीचे। जब कल आपकी मेहरबानी से गाड़ी और आप ठग से उस वक्त गिर गया होगा। ये लीजिए आप इसे अपने पास रखिए। ओ नो नो, ये मुझे नहीं लेना है, ये लीजिए। जी नहीं नहीं नहीं, हाँ कहिए नहीं, ये मुझे नहीं रखना है। ये तुम ले लो, इसे ले लो और इन्हें दे देना। ये क्या, ये तुम नहीं लोगी? तो ये तुम ले लो। ये क्या कर रही है? लच्छी ये कहना चाहती है कि हार मैं नहीं लूंगी, आप इसे अपने पास ही रखिए। नहीं, एक बार कहा, दो बार कहा, सौ बार कहा, नहीं नहीं नहीं। लाओ हाथ, खोलो इसे। नहीं। खोलो। नहीं। खोलते कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, आह छोड़िए, आप तो खामा खान झगड़ा कर रहे हैं। देखिए ये हार किसी की अमानत है, आप इस हार को ऐसी जगह रख दीजिए कि ना चोरी का डर हो और ना ये गुम सके। हाँ। तो मैं इसे बैंक में रख देता हूँ। अच्छा। सुनिए, अगर कोई भी शख्स इस हार के बारे में पूछने आए तो साफ इनकार कर दीजिए कि मेरे पास नहीं है। अच्छा। हाँ अच्छा, ठहरिए, चाय इंतजार कर रही है, आइए आइए। देखिए ये मैंने क्या कर डाला। कोई बात नहीं, प्याला छलक गया है। प्याला नहीं, सब्र तो पैमाना छलक गया। न जाने क्यों आज गाने को जी चाहता है। गाइए। और आप अभी कहेंगे क्या? ना 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 नो। देखिए सर, हम तो आज गाना जरूर सुनेंगे। रेडी, वन टू। यहाँ नहीं। लच्छो, आधा बर्ज है, मेरी लच्छो जाने कहाँ चली गई? अबे तूने मुझे क्या समझ रखा है? जब देखो लच्छो लच्छो, अबे इतना बड़ा डील डॉल लिए फिरता है, एक छोटी सी लवंडिया नहीं संभाली जाती है? वो किसी के साथ भाग गई है। जा शुक्रिया जी, वो किसके साथ भाग गई? अबे तो मैं क्या करूं, भाग गई तो गेट आउट, गेट आउट। शुक्रिया कहना तो मैं भूल गया था, शुक्रिया। मैं जा, शुक्रिया के बच्चे परेशान कर रखा। रूपा कहां गई? क्या वो भी किसी के साथ भाग गई? हाँ दादा, वो जरूर होटल में इंजीनियर के पास मिलने गई होगी, समझे कि नहीं? ये मुझे चकमा दिया जा रहा है, ये सब आपके प्यार का नतीजा है कि वो उड़ी उड़ी फिरती है, सुबह से मैं यहां इंतजार में बैठा हूं, समझे? लच्छो लच्छो लच्छो, देखो जी हमसे ये जुदाई की बातें ना किया करो, अपना जी पहले ही थोड़ा है। अच्छा जी? अच्छा जी नहीं, हाँ जी कहो मेरी नैन कटारी, हाँ जी कहो लच्छो। लच्छी, रूपा कहाँ? ये क्या कर रही थी रूपा कहाँ? Thank you.
सपनों में ढले जाते हो, तुम दिल में चले आते हो, सपनों में ढले जाते हो, तुम मेरे दिल का तार तार छेड़े चले जाते हो, तुम छेड़े चले जाते हो, तुम दिल में चले आते हो, सपनों में ढले जाते हो, तुम मेरे दिल का तार तार छेड़े चले जाते हो, तुम छेड़े चले जाते हो। आती है तेरी याद मेरे दिल में यूं जादू भरी, आती है तेरी याद मेरे दिल में यूं जादू भरी, जैसे कि नदियां किनारे गूंजती हो बांसुरी, जैसे कि नदियां किनारे गूंजती हो बांसुरी, तुम याद भले आते हो इस दिल को मले जाते हो, तुम याद भले आते हो इस दिल को मले जाते हो, तुम मेरे दिल का तार तार छेड़े चले जाते हो, तुम छेड़े चले जाते हो, तुम दिल में चले आते हो, सपनों में ढले जाते हो, तुम मेरे दिल का तार तार छेड़े चले जाते हो, तुम छेड़े चले जाते हो। हुए हो मेरी जिंदगी के सांस में, जिंदगी के सांस में यूं बसे हुए हो मेरी जिंदगी के सांस में, जिंदगी के सांस में, जैसे कि आंधी रात हो वो चांद हो आकाश में, जैसे कि आंधी रात हो वो चांद हो आकाश में, और चांद हो आकाश में, पलकों के तले आते हो आँखों में घुले जाते हो, पलकों के तले आते हो आँखों में घुले जाते हो, तुम मेरे दिल का तार तार छेड़े चले जाते हो, तुम छेड़े चले जाते हो, तुम दिल में चले आते हो, सपनों में ढले जाते हो, तुम मेरे दिल का तार तार छेड़े चले जाते हो, तुम छेड़े चले जाते हो। मैं बहुत खुश हूँ, आज रात को हमारे खेल है, वो भी आएंगे, मैं उनके लिए गाऊंगी, मैं उनके लिए नाचूंगी, मैं उनके लिए दीवाने हो जाऊं दादा, और मैं उनके लिए। बेटा तुम्हारी खुशी में मेरी भी खुशी है। ओ मेरे अच्छे दादा, तुम कितने अच्छे हो। आज मेरी आंखों ने सुंदर सपना देखा, मेरे कानों ने प्यार के दुलूबा को बजते हुए सुना, मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं उन्हें अपना बना सकूं। कौन ले जाएगा इसको? अबे घन चक्कर, ये भी हम ही से पूछता, जा वो तेरी लच्छी वच्छी उस कमरे में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये तुम क्या कर रही हो लच्छी? ये तुमने क्या कर दिया, मेरा सपना तोड़ दिया। तुम नहीं जानती मैंने कैसी दुनिया बनाई थी, जिसमें वो आए, दिल से दिल की बातें हुई, फिर मेरी कायनात हजार अंगलाई लेकर जाग उठी, मन में उमंगे जी में तरंगे, प्यार की दिलरुबा बजने लगी, वो आगे बढ़कर मुझे बाजू में लेने वाले थे कि तूने चौंका दिया। बहुत रात हो गई, अब सो जा। नहीं मैं सोऊंगी तो वो चले जाएंगे, मैं उनके साथ आपकी चोरी खेलूंगी, वो छुप जाएंगे, मैं उन्हें ढूंढती फिरूंगी, मैं गली गली पुकारूंगी, प्रीतम तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो प्रीतम, वो मेरे दिल की धड़कनों में छुपे हुए बोलेंगे जी मैं यहाँ हूँ, फिर वो जाने लगेंगे, मैं आगे बढ़कर उन्हें रोक लूंगी और कहूंगी शर्मा के न जा, शर्मा के न जा, हो जाने वाले आके न जा, आके न जा, तरसा के न जा, तड़पा के न जा, हो जाने वाले आके न जा, तुझे प्यार भरे इस दिल की कसम, इस दिल में आग लगा के न जा, हो जाने वाले आके न जा,
जाने वाले आके न जा।
खिलाऊं गर्मा गर्म कचौरियां, रस्ते चलते आंखों से हम करती दिल की चोरियां, रस्ते चलते आंखों से हम करती दिल की चोरियां, हटो हटो जी आती है हम जादूगर ने चोरियां, रस्ते चलते आंखों से हम करती दिल की चोरियां। तकलीफ है हुजूर को लेकिन मेरा साजन खुम सुन करे नमो से बतिया, लेकिन मेरा साजन खुम सुन करे नमो से बतिया। ऐसी चांद भी मरता है हम पर ऐसी हम चकोरियाँ, चांद भी मरता है हम पर ऐसी हम चकोरियाँ, रस्ते चलते आंखों से हम करते दिल की चोरियाँ, हटो हटो जी आती है हम जादूगर ने चोरियाँ, रस्ते चलते आंखों से हम करते दिल की चोरियाँ। देखो वो जगह जिसे हम आबाद करना चाहते हैं, नदी के उस पार हरे हरे पेड़ों के झुरमुट में से बस्ती यूं भर आएगी जैसे कोई नई दुल्हन लंगड़ाई लेकर जाग उठे और अपना बदन चुराने के लिए सब जोड़नी खींच ले। खूब खूब ईंट और पत्थर का कारोबार करने वाले भी दुल्हनों की सोचते हैं। इंजीनियर साहब यहाँ कश्तियां भी चलेंगी? हाँ रूपा। और इन कश्तियों में बैठे उमंगों के बाद बांध फैलाए न जाने प्रेमी लोग इतनी दूर निकल जाएंगे, वहीं तक जहाँ से वो लौट भी सके। देखो रूपा बादल उमड़ आए हैं, घटा बरसने को है, चलो चले। गाड़ी दलदल में फंस गई, आप भीग जाएंगे। और आप भी तो भीग रहे हैं, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, चलिए मैं भी आपका साथ दूंगी। ये गाड़ी इस तरह बाहर नहीं निकलेगी, देखिए
वो सामने झोपड़ी है, चलिए वहां चलते हैं। चलिए। अंदर आ जाइए बाबूजी। अरे बाबूजी, बाबूजी आप तो भीग गए हैं, बहुत बारिश हो रही है ना? जभी तो, और गाड़ी भी दलदल में फंस गई है। आप बैठिए, मैं धोती कुर्ता लेकर आता हूँ। नहीं बाबा, मैं सब कुछ अपने हाथ से कर लूंगी, आप क्यों तकलीफ करते हैं। रूपा अभी तक नहीं आई। आप उसे रोकते भी नहीं। आप उसे क्यों रोकने लगे? क्योंकि वो आपकी नाजों की पाली हुई, सोने चांदी में तुल रही। ये आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? आप इतना भी नहीं सोचते कि रूपा मेरी बेटी है? अगर वो आपकी बेटी होती तो यूं आवारापन से नहीं घूमती। अगर आप उसे नहीं रोक सकते तो मैं रोकता हूँ। मैं अभी जाके इंजीनियर से बातें करता हूँ। लच्छो, लच्छो। देख बे, तूने फिर लच्छो पच्छो किया तो याद रख। आदाबर भाई, आपने मेरी लच्छो को देखा है? फिर वही लच्छो का नाम लिया। दूंगा एक ऐसा झापड़ के 32 ही बार हो जाए। गेट आउट यू बिग मग, गॉन यू। प्यार हो गया, प्यार हो गया। अरे वाह, ये कपड़े तो आपने बहुत अच्छे पहन रखे हैं। अच्छी लगती है। यानी कि मैं अच्छा सुनो जी, भूख लगी है। भूख? भूख तो मुझे भी लगी है। तो खाना पकाओ। खाना? यानी कि मैं और खाना? अच्छा, पकाऊंगी आपके लिए।